80 क्रॉस हो गया, 90 भी क्रॉस हो गया। एक सेकंड, एक यहाँ पे पहुंच के। हेलो बॉयज एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी आज से 2-3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगाई कि मैंने कावासाकी GTO 1988 मॉडल ली है। आप लोगों ने बड़ा पसंद किया उस पोस्ट को, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक व्लॉग भी बनाएंगे। ये मैंने व्लॉग के लिए बाइक नहीं लिया, ये बाइक मैंने अपने गैरेज के लिए लिया है। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि 2004 और 5 के ऊपर जब हम नए नए घर से निकलना शुरू हुए, तो हमने स्ट्रीट्स के ऊपर GTO 125 नज़र आया। बहुत रेयर बाइक था उस टाइम हमें, जो CG 125 होंडा के हैं और इस तरह से दूसरी कंपनीज के बाइक्स नज़र आते थे, मगर GTO बहुत रेयर बाइक था। मगर आई कैंडी था। इसको जब हम देखते थे तो फ्रंट डिस्क ब्रेक और इसकी लुक्स और इसकी एक ख़ास 2-स्ट्रोक की आवाज़, तो बड़ा मज़ा आता था। तो तब से एक ख्वाहिश थी कि जब कुछ पैसे आएंगे तो हम इंशाल्लाह GTO 125 भी ज़रूर लेंगे। फिर हुआ ये कि ढूंढना शुरू किया GTO 125, तो अच्छे GTO 125 अपनी असल हालत के अंदर बहुत कम मिलते थे। फिर मैंने खानेवाल राइडर्स में वली भाई हैं, उनसे मैंने रابطہ किया, क्योंकि खानेवाल के अंदर अगर आपने देखा हो तो काफ़ी इस तरह के पुराने मॉडल्स बहुत ज़्यादा मैंने पोस्ट वगैरह में देखे थे, वो लोग चलाते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये GTO 125 ढूंढ के दिया और इसकी जितनी भी हमने चीज़ें डाली दोबारा, इसको जो दोबारा से हमने बिल्ड किया, उसके अंदर खानेवाल राइडर्स का बड़ा हाथ है, बल्कि उन्हीं का ही है। मैं तो घर ही बैठा रहा, तो फ़ोन के ऊपर हम लोगों ने ये, अच्छा ये मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ये बाइक मैंने 35,000 का ख़रीदा था उसी हालत के अंदर, और तकरीबन इसको दोबारा बिल्ड करने पे हमारा तकरीबन 1 लाख या 1.25 लाख रुपए खर्च हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमने सारे जापानीज़ जेन्युइन पार्ट्स डाले हैं, कोई चाइनीज़ कोई लोकल पार्ट्स नहीं यूज़ किए, सारे जापानीज़ पार्ट। तो ये थी स्टोरी इस बाइक की। असल में कावासाकी जो है ये 1977 के अंदर पाकिस्तान के अंदर आया था। सैफ नदीम कावासाकी मोटर्स पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपना प्लांट लगाया था 77 में मर्दान में। उसके बाद वो शिफ्ट कर गए थे हवेलियाँ 83 के अंदर, और 87 के अंदर इसकी सही प्रोडक्शन शुरू हुई थी। मगर वक्त के साथ साथ हुआ ये कि 93-94 के अंदर इनकी प्रोडक्शन रुक गई थी। प्रोडक्शन रुकने की वजह क्या थी? अक्सर लोगों ने ये स्टोरी बनाई कि ये बाइक बहुत तेज़ था, 2-स्ट्रोक था, इनिशियल्स के अंदर बहुत तेज़ था, तो ज़्यादा ये जो स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर रॉबर्स यूज़ करते थे इसे, और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकती थी, तो ये बैन हो गया। स्टोरी सुनने में तो बहुत मज़े की है, मगर ये असल स्टोरी नहीं है। असल में हुआ ये था, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। जहाँ नॉर्मल 125 आपको 30-35,000 में उस टाइम मिल रहा था, ये वाला बाइक 50-60,000 पे पहुँच गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिमांड कम होने लग गई। फिर उसके बाद ये बाइक फिर आपको बहुत रेयरली नज़र आते थे स्ट्रीट के ऊपर। तो ये बाइक मैंने अपनी गैराज के लिए लिया है, ठीक है। तो ये ख्वाहिश थी बचपन से कि हम GTO 125 लेंगे, तो आज ख्वाहिश पूरी हुई है। तो आपको लेके चलते हैं इस बाइक की एक राइड के ऊपर, राइड को एंजॉय करें। दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट व्लॉग ऑन GTO 125, उसके बाद ये गैरेज में चला जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, लेट्स गो ऑन अ राइड। अरमगान इज हियर ऑन हिज यामाहा YB125Z एंड आई एम ऑन कावासाकी GTO 125, और ये टेक्नोलॉजी चेक करें भाई के पास 1988 मॉडल विद डिस्क ब्रेक है, और अब्बासी के पास अभी भी ड्रम ब्रेक वाला बाइक है। लूजर्स। तो मैंने अरमगान को वैसे चैलेंज भी कर दिया कि मेरा 2-स्ट्रोक बाइक है, मैं जीत जाऊंगा तेरे से, बेशक ये कुछ 30 साल पुराना बाइक है। तो बॉयज, दिस इज़ काइंड ऑफ माई लास्ट राइड ऑन GTO 125। इसके बाद इसके ऊपर व्लॉग्स नहीं देखेंगे आप। ये बाइक अब जा रहा है मेरी गैराज के अंदर, तो इसको हम को बहुत ही ज़रूरत के टाइम को मेरे पास आइडिया हो व्लॉग बनाने का, तो हम इसे निकाल लेंगे। उसके अलावा ये बाइक चला जाएगा जी गैराज में। बस ये हम बातें करते करते अपने ट्रैक के करीब पहुँच गए, तो अभी ज़रा ट्रैक पे दोनों बाइक्स को लेके जाते हैं। चेक तो हमने इसे करना है। मैं इस बाइक को जो अभी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो कन्वेंशनल बाइक्स आते हैं उनके साथ मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो बाइक्स चलाए नहीं हुए, आइडिया नहीं है मुझे उनके बारे में बिल्कुल। मगर जो मेरी इस बाइक के बारे में राय होगी वो मैं आपको ज़रूर दूँगा। मैं ज़रा अपना हेलमेट ट्राई कर लूँ, इन बाइक्स का कोई भरोसा नहीं होता।
अच्छा सबसे पहले हम चेक करते हैं जी इसकी टॉप स्पीड। मैं अपना गैस लगा रहा हूँ 80-90 के दरमियान, क्योंकि मैं अभी 80 पे चला रहा था तो 8000 RPM पे था, तो मुझे लगता है ये इसकी मैक्स स्पीड होगी। मुझे नहीं पता इसके गियर कितने हैं, मगर जितने भी हैं मैंने सारे लगाए हैं। ओह काउज आ गई हैं बीच में। साउंड का आपने मुझे बताना है कि आपको साउंड कैसा लग रहा है बाइक का। बाकी जब मैं उस बाइक के ऊपर हूँगा वापसी पे और अरमगान ये चला रहा होगा तो फिर आप ज़्यादा बेहतर साउंड सुन सकेंगे और ज़्यादा बेहतर। अभी आपको शायद इतना अच्छा साउंड ना आ रहा हो। चलें जी अब स्पीड चेक करते हैं। इट्स अ 1988 मॉडल GTO 125, ये आपने माइंड में रखना है। कंपैरिजन H2R के साथ ना शुरू कर देना। ओ 80 क्रॉस हो गया, 90 भी क्रॉस हो गया। एक सेकंड ये टर्न आ गया और मुझे लग रहा है कि बाइक कुछ करना चाह रहा है। जब मुझे खानेवाल वालों ने, वली भाई ने ये बाइक दिया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि इसकी पहले रनिंग पूरी करनी है। लगता है वो मेरे ब्लॉग्स नहीं देखते। पता नहीं उनने ये क्यों बोला, किसी बाइक की भी आज तक रनिंग नहीं। ओ ओ यहाँ पे पहुंच के अब्बासी असल में जेलस है हमारे बाइक से, उसने मेरे बाइक का रिजर्व लगा दिया था, अभी मैंने उसे ठीक किया। अच्छा जी मीटर लॉग, एक्सक्यूज मी, हेलो भाईजान, हेलो। मुझे नींद आ रही। 90 ऑलमोस्ट 100, वेट फॉर इट। आप लोगों को एक काम है, कोई वॉशरूम वगैरह जाना है, किचन तो होते हैं। अभी 100 में थोड़ा सा टाइम है। 100 यस। अब्बासी बहुत मनहूस है, मेरी सारी वीडियो ख़राब करती है तूने मुझे ओवरटेक करके। इतने पैसे लगाए हैं मैंने GTO पे, ये तो दोबारा 90 पे आ गया। जो भी है बड़ा स्मूथली जा रहा है। ये वो पंप आ गया हमारे ट्रैक का। अब आपको फील हुआ है कि मैं यहाँ से 370-380 पे क्यों नहीं गुजारता। ये हमारे ट्रैक का एंड है तकरीबन, तो यहाँ पे मुझे हर हाल में ब्रेकिंग करनी होती है। और आगे देखें वो कितना बड़ा पैच है, तकरीबन 1 किलोमीटर का, मगर मैं नहीं कर पाता इसी पंप की वजह से। बैड यार बस ही, नॉट बैड। चेक करना यार 1988 मॉडल और कैसे भाग रहा है। मेरी बात सुन, अब मैं उस बाइक पे आऊंगा लगेगा ये कि मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, मगर मैं तेरे से हार जाऊँगा, तूने ये चलाना है ठीक है, ताकि मेरे बाइक की लोग तारीफ करें। What a beauty यार, what a beauty। अब आपको इसकी सही साउंड आ रही होगी। ओए अब्बासी इतना तेज नहीं, आपस की बात है, मैंने फुल दी हुई है एक्सेलरेशन, पकड़ लूंगा क्योंकि वो 2 स्ट्रोक है, टॉप एंड इतना तेज नहीं होता उनका। देखा मैं करीब पहुंच गया। क्या खूबसूरत बाइक है यार, H2R के बाद कोई बाइक मुझे खूबसूरत लगा तो वो ये। या नहीं जोक्स असाइड, नॉट अ बैड बाइक। भाई के बाइक की तारीफ करें आप,
आपको साउंड कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताने। आज के बाद ये बाइक गैरेज में चला जाएगा, दोबारा आप इसकी वीडियोस नहीं देखेंगे। तो आपने इसका ऑनेस्ट अपना ओपिनियन देना है कि मेरा जो एक ड्रीम बाइक था, जैसे आप लोगों का H2 या R1 या आजकल के जैसे हायाबुसा ड्रीम बाइक्स होते हैं, वैसे जब हम छोटे थे तो उस टाइम हम ये बाइक्स रोड पे देखते थे तो हम बड़ा फैसिनेट होते थे इस बाइक को देख के। डिस्क ब्रेक भी होती है किसी बाइक के अंदर, और टू स्ट्रोक का एक ये जो ज़बरदस्त साउंड एक आ रहा है, ये भी हमें बड़ा फैसिनेट करता था। तो इसका मेरी गैराज में होना बहुत ज़रूरी था। इफ़ आई एम अ बाइकर तो मुझे ऐसी चीज़ें ज़रूर अपनी गैराज के अंदर खड़ी करनी है लाजमी। तो होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने जो व्यूज़ जो रिव्यूज़ हैं आपके, जो कमेंट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपसे मुलाकात होगी H2R पे, डुकाटी मल्टीस्ट्राडा पे, और इंशाल्लाह अपकमिंग बाइक्स के ऊपर। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।